हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा टिप्स चैनल। मेरा टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। करवा चौथ आने वाला है और सुहागिन महिलाएं इस सोच में पड़ी होंगी कि अब की साल करवा चौथ पे मैं अपने सास को क्या गिफ्ट दूं। देना पड़ता है, क्योंकि हर महिलाएं करवा चौथ पे अपने सास के लिए अलग से एक थाली तैयार करती हैं। तो हो सकता है आप गाँव से दूर हैं, या फिर आप गांव में हैं, अपने सास से आप पूछिए कि अब की बार आप क्या लेंगी करवा चौथ पे। हो सकता है आपके सास अपने मुंह से कुछ न बोली हों कि हमको ये चाहिए, बोल दी होंगी कि आपको जो समझ में आए, और आप कंफ्यूज में पड़ी हैं कि हम क्या दें ऐसा जिससे कि हमारा करवा चौथ का व्रत सफल हो। हम अपने सास को कुछ ऐसा भेंट दूँ जिससे हमारी सास खुश हो जाए, क्योंकि सास को खुश करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने सास को खुश करती हैं तो साथ साथ आपके पति भी बहुत खुश होंगे। अगर आप सास को ज़्यादा मान सम्मान देती हैं तो पति लोग बहुत खुश होते हैं। उस टाइम अगर जो भी आप बोल देंगे कि हम सास के लिए थाली तैयार करना चाहते हैं, हमको साड़ी पायल ये चीज़ चाहिए, तो पति लोग बहुत शौक और खुशी से तैयार हो जाते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी इन कन्फ्यूज में पड़ी हैं कि हम क्या दें जिससे हमारी सास भी खुश हो जाएँ और साथ साथ मेरे पति भी खुश हो जाएँ। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि इस प्रकार से सास के लिए थाली तैयार करें करवा चौथ पे। आप एक स्टील का थाली ले लीजिए बड़ा सा, और आप अपने सास के लिए जैसा आपकी सास पहनती हैं साड़ी, ये नहीं कि आपके सास जवान हैं आप बूढ़ी जैसा साड़ी दे दी तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, या फिर आपकी सास बूढ़ी हैं और आप ज़्यादा स्टाइल की साड़ी दे दी, आप ज़्यादा वर्क की साड़ी देंगी तो भी बेकार है। आपको पहले सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मेरी सास कैसी साड़ी पहनती हैं, उस हिसाब से आपको साड़ी खरीद लेना है। सिंपल पहनती हैं तो सिंपल साड़ी, या फिर वर्क की साड़ी पहनती हैं तो वर्क की। और आप एक थाली में साड़ी और पेटीकोट लगा के रख दीजिए, साथ में उनके लिए बिछुआ रख सकती हैं, पायल रख सकती हैं, और सिंगार के सामान। सिंगार के सामान में जैसे में आप चूड़ी रखिए, नेल पॉलिश, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, इतना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बूढ़ी भी होंगी तब भी चलेगा और जवान होंगी तब भी चलेगा। अगर आपकी सास कम उम्र की दिखती हैं और वो ज़्यादा मेकअप फैशन करती हैं तो उसके हिसाब से आप लिपस्टिक भी रख सकती हैं, लेकिन अपने सास की उम्र को देखते हुए रखना है। ये रख दीजिए। अगर आप घर पर करवा चौथ कर रही हैं तो उस थाली में आप फल रख सकती हैं, जैसे में केला, सेब, ये सब रखिए। मिठाई रख सकती हैं, और अगर आप गांव से दूर हैं, शहर में हैं, आप करवा चौथ कर रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि हम करवा चौथ करेंगे फिर उसके बाद में एक दो महीने हम बाद जाएंगे घर पे, तब अपने सास को हम ये भेंट देंगे, तो आपको उसमें फल और मिठाई रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो करवा चौथ का जो थाली होता है सास के लिए सिर्फ वो सास को ही देना है। अगर उस थाली में आप फल रख देती हैं, मिठाई रख देती हैं तो ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप दूर हैं तो उसमें सिर्फ फल के जगह, मिठाई के जगह आप पैसा रख दीजिए, जो भी आपके पास पैसा है वो रख दीजिए कि जब आप घर पे जाएं तो अपने सास को दे दें। मैं ये नहीं आपको कह रही हूँ कि आप इतना ही दीजिए। मान लीजिए आपके पास पैसे की कमी है, कुछ नहीं है, तो आप सोच समझ के उसमें रख दीजिए, लेकिन अगर है आपके पास, आप दे सकती हैं, तो कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि साल में एक बार करवा चौथ आता है, उसी करवा चौथ का सास को भी बहुत इंतज़ार होता है कि अब की साल करवा चौथ पे हमारी बहू क्या देने वाली है। तो इसलिए कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है, जो हो सके वो देना ज़रूर है। और मान लीजिए आपके सास नहीं हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि मेरी सासू माँ नहीं है, कि थाली किसके लिए तैयार करूँ और किसको दूँ, तो आप अपने बड़ी ननद को दे सकती हैं। अगर आपके घर में बड़ी ननद भी नहीं है तो आप अपने मौसिया सास को दे सकती हैं, जैसे सास की बहन है उनको भी ये थाली दे सकती हैं, या फिर मामिया सास है आपके पति की मामी जो हैं उनको भी ये थाली दे सकती हैं। अगर आप नहीं दे सकती हैं तो ब्राह्मण की पत्नी को ये दान कर सकती हैं। अगर आप घर में करवा चौथ कर रही हैं, आपके सास पास में हैं, तो जब पूजा समाप्त हो जाए तो आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और अपने सास के पैर छुए, फिर उसके बाद में जो थाली सास के लिए तैयार की है वो थाली अपने सास को दे दीजिए। तो देखिए आपकी सास कितनी खुशी से आपको आशीर्वाद देंगी। तो देखिए इस वीडियो में मैं आप लोग को बताई हूँ कि सास के लिए करवा चौथ पे कैसे थाली तैयार करें। अब मैं आप लोग को आने वाली वीडियो में बताऊँगी, करवा चौथ की पूरी जानकारी बताऊँगी कि करवा चौथ में
पूजा की सामग्री क्या क्या होती है और या फिर करवा चौथ कैसे करते हैं और करवा चौथ का थाली किस प्रकार से तैयार करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से मैं अगली वीडियो में मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।